हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हम लोग अभी अपने चैनल पर एक आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा और यूनिक इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने यूपीएससी मेंस की परीक्षा में GS 1 2 3 4 के अंतर्गत जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखता हूँ। आपको ब्रेन स्टॉर्म करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर कर सकते हैं, और आफ्टर दैट आपको एक टाइम फ्रेम देता हूँ, ठीक है, जिस टाइम फ्रेम के अंतर्गत आप उस क्वेश्चन को आंसर करने का खुद से प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को लंबे समय तक लगातार फॉलो करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल है, देखिए, आंसर राइटिंग इज़ एक्चुअली नॉट नॉलेज, इज नॉट नॉलेज ओनली, इट इज नॉलेज प्लस स्किल। तो देखिए, नॉलेज तो आपको होना चाहिए, फॉर दैट ऑब्वियसली आप बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ते हैं, GS 1 2 3 4 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपने नोट्स बनाए होंगे, उसको आप रिवाइज करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, बट इस नॉलेज के साथ साथ दोस्तों ये एक स्किल है, और स्किल आती है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें, इसलिए ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लेकर आया गया है। जैसे ये एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। एडिशनल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को आप ज्वाइन करिए, और वहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आप अपने सामने रखिए, उसको आंसर करने का प्रयास करिए, और इससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो हम लोग आज एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़िए। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइड फ्रीडम मूवमेंट, ऑल राइट। और इस पर हमें कमेंट करना है। ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 250 वर्ड्स के क्वेश्चन के लिए UPSC में आपको टोटल 3 पेजेज अलॉट की जाती है, और टाइम आपके पास होता है 9 to 10 minutes, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको इसको आंसर करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब यहाँ पर है, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर बेस फॉर द वाइड फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि मॉडरेट्स ने किस तरह से जो समग्र स्वतंत्रता का आंदोलन है उसमें किस रूप में उन्होंने भूमिका निभाई, या फिर किस रूप में उसका नींव तैयार करने का काम किया, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक तो इंट्रो करना है, इंट्रो लिखना है। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, इंट्रो, उसके बाद बॉडी, और उसके बाद सीधा हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। बॉडी का कोई ज़्यादा सब डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, इंट्रो आप कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मॉडरेट्स हैं, ठीक है, तो मॉडरेट्स का जो टाइम पीरियड है आप उसको मेंशन करके लिख सकते हैं, जैसे 1885 से 1905 तक के फेज को बेसिकली मॉडरेट फेज माना जाता है। तो इस टाइम पीरियड को अंकित करके आप इंट्रो लिख सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि बहुत सारे जो मॉडरेट लीडर्स हैं उनके नेम को यूज करके आप, बहुत सारे मॉडरेट लीडर्स के नेम को यूज करके आप इसका इंट्रो लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका ये हुआ कि थोड़ा बड़ा इंट्रो हो जाएगा और दोनों ही आप कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, ये टाइमलाइन भी और कुछ नेम्स भी, ठीक है, आप कंबाइन कर दीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को भी आप ये कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक, या फिर दो इवेंट्स को भी हवाला दे सकते हैं आप, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर के स्वदेशी मूवमेंट के स्टार्ट होने के बीच का पीरियड जो है, दैट इज रिगार्डेड एज द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस तरह से 2-3 तरीके से आप इसका इंट्रो लिख सकते हैं, ऑल राइट। बॉडी में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी कलर्स हैं, ऑल राइट, तो जिसमें से कि एक कलर तो यही हो गया मॉडरेट्स का कलर, ठीक है। दूसरा कलर हो गया आपका एक्सट्रीमिस्ट का कलर, ऑल राइट। तीसरा कलर हो गया आपका होम रूल सोसाइटीज का, ठीक है। चौथा कलर हो गया आपका गांधीयन फेज का। एक और कलर क्या हो गया आपका, एक और कलर जो ब्रॉड कलर है वो हो गया आपका रिवॉल्यूशनरीज का, ठीक है। तो ये मेन कलर्स हैं, इसके अलावा एडिशनल कलर्स भी हैं, जैसे कि फार्मर्स, ट्राइबल्स,
लेबर्स। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई लेबर एक्सट्रीमिस्ट भी हो, कोई लेबर गांधी भी हो, इसलिए मैं बोल रहा कि ये तो मेन मेन ब्रॉड ब्रॉड आपके कलर्स हो गए आपके फ्रीडम स्ट्रगल के, और ये फिर कुछ एडिशनल हो गए छिटपुट, ठीक है। तो फार्मर्स, ट्राइबल्स, लेबर्स, और एक और हो गया आपका वीमेन, ठीक है ना। तो आप क्या करिए कि मॉडरेट्स, मॉडरेट लीडर्स, या फिर मॉडरेट ने किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट के लिए जगह तैयार की, मॉडरेट लीडर्स ने किस तरह से होम रूल मूवमेंट में हेल्प की, ठीक है। मॉडरेट लीडर्स ने किस तरह से गांधियन फेज के लिए बेस तैयार किया, मॉडरेट लीडर्स ने किस तरह से रिवोल्यूशनरीज के लिए। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मॉडरेट्स और रिवोल्यूशनरीज का तो कोई लेना देना नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। सारा कुछ इंटर रिलेटेड ही है। तो इस तरह से करके आप वन बाई वन इन सारे ग्रुप्स को टारगेट कर दीजिए, ठीक है ना, कि मॉडरेट्स ने कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट के लिए भी रास्ता तैयार किया, ठीक है। मॉडरेट्स ने होम रूल सोसाइटी वर्कर्स के लिए कुछ रास्ता तैयार किया है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। होम रूल सोसाइटी, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना, ब्रिटेन में जा करके उन्होंने एक वहाँ पर होम रूल सोसाइटी बनाई, ठीक है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा को काफ़ी क्लोज माना जाता था दादा भाई नौरोजी के, जो कि दादा भाई नौरोजी मॉडरेट थे। तो इस तरह से आप रिलेट कर करके, मेरी बात आप समझ रहे, रिलेट कर करके सारे कलर से इसको मैप करते चले जाइए। तो ये हो गया आपका बॉडी का पार्ट, और कंक्लूजन में आप वेरियस टाइप से कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉडरेट्स को आप इक्वेट कर सकते हैं टू द माइंड, या फिर हार्ट ऑफ द माइंड, या हार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इसी तरीके से जैसे रिवोल्यूशनरीज को आप ये कर सकते हैं टू द आर्म्स, ठीक है, या फिर मसल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। चलिए, इनको मॉडरेट्स को माइंड से कंपेयर कर दीजिए, गांधी गांधीयन ये को आप कर दीजिए हार्ट से, ठीक है, हार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इस तरह से करके आप कुछ मैपिंग कर सकते हैं, या फिर ये तो हो गई इस टाइप की थोड़ा फिलोसॉफिकल। दूसरा, आप इसके इंटरनेशनल जो स्ट्रगल्स हो रहे थे उनसे कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इटालियन यूनिफिकेशन, या फिर जर्मन जर्मन यूनिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों ने अलग अलग भूमिका निभाई, ठीक है। तो जैसे इटालियन यूनिफिकेशन में एक थे गीसप मैजिनी, एक थे गीसप गैरिबेल्डी, ठीक है। तो गीसप मैजिनी का जो ये था, वो क्या करते थे, अवेयरनेस फैलाते थे, लोगों को एजुकेट करते थे, लिबरलिज्म वगैरह प्रीच करते थे, ठीक है। तो उनसे आप इनको रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के आप कंक्लूजन्स भी फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का एक सारा आइडिया मैंने आपको दे दिया बेसिकली, ठीक है। अब अगर आपने थोड़ा भी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है तो आराम से आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लगभग 9 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। 9 मिनट मैं नहीं रुके रहूँगा, आप वीडियो को पॉज करिए फॉर 9 मिनट्स एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स इन 3 पेजेज। ऑल राइट, पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर। ऑल राइट, सो इफ यू पॉज द वीडियो एंड यू हैव इफ यू हैव रिटन द आंसर, तो नाउ इज द टाइम टू सी वन मॉडल आंसर, ठीक है। तो देखिए, इसका इंट्रो किस तरह से लिखा गया है। सिंस द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी 1885 एंड टिल द सूरत स्प्लिट 1907, तो ये इसने क्या किया, दो इवेंट्स भी ले लिए और दो डेट्स भी ले लिए। एंड टिल द सूरत स्प्लिट इज ए फेज रिगार्डेड एज मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। एक बेसिक इंट्रो है ये, ठीक है। अब देखिए, मॉडरेट्स का इम्पैक्ट क्या था, यहाँ इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी लिख दिया गया है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था मॉडरेट्स इम्पैक्ट ऑन वाइडर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करने के चक्कर में यहाँ सिर्फ सोसाइटी लिख दिया गया है, विच इज रॉन्ग, बट ठीक है अगर इस पर ध्यान ना जाए तो। अब इसमें देखिए आप क्या क्या लिखते गए हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के प्रति लोगों को अवेयर बनाया, जैसे ड्रेन थ्योरी, जो ड्रेन थ्योरी लिख के बारे में बताया गया दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनके बुक का भी आप नाम लिख सकते हैं, क्या नाम है इनके बुक का, पोवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे डिमांडेड इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इंक्लूजन की बात करते थे और सिविल सर्विसेज में भी इंक्लूजन की बात करते थे, तो ठीक है। फिर देखिए, उन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन को इंडिया में, ठीक है, और सोशल रिफॉर्म को इंडिया में प्रमोट किया, ठीक है। क्या क्या आइडियाज़ वो लेकर के आए इंडिया में, जैसे इक्वालिटी का, लिबर्टी का, ये सारा आइडियाज़ वो इंडिया में लेकर के आए। उन्होंने न्यू मेथड्स ले भी वो लेकर के आए, जैसे प्रोपेगेंडा, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा। और आपको पता है कि ये जो मेथड्स थे, इवन दो
मॉडरेट्स के लिए ये एक्सक्लूसिव मेथड्स थे, ठीक है, लेकिन इसको रिवोल्यूशनरीज ने भी यूज किया है, ठीक है, गांधियंस ने भी यूज किया है, ठीक है, होम रूल सोसाइटी, सभी लोगों ने ये प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर सभी को यूज किया, लेकिन हाँ वो न्यूज़पेपर्स के अलावा भी कुछ करते थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ मॉडरेट्स ही करते थे, तो ये मेथड्स आगे भी काम है, ठीक है। अब देखिए मॉडरेट्स का इम्पैक्ट क्या था वाइडर फ्रीडम स्ट्रगल पे, अच्छा ठीक है, तो वाइडर फ्रीडम स्ट्रगल पर इसका क्या इम्पैक्ट था, तो इनका जो फेलियर था कहीं ना कहीं मॉडरेट्स का फेलियर जो था, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट के लिए जगह बनाई, तो ये भी एक तरीके से मॉडरेट्स का एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया दोस्तों। तो जैसे बाल लाल पाल घोष एटसेट्रा जो आए वो इसलिए आए क्योंकि मॉडरेट्स के जो मेथड्स जो थे वो धीरे धीरे इनइफेक्टिव प्रूव हो रहे थे, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, मैनी मॉडरेट्स एक्टेड एज ए गुरु यानी टीचर फॉर गांधियन फेज, ठीक है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी और सरोजिनी नायडू के गुरु थे, तो आपने क्या किया कि मॉडरेट्स को गांधियन फेज से रिलेट कर दिया, ऑल राइट। फिर देखिए, दे ऑल्सो वर्कड विथ आइडियोलॉग्स ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठीक है, तो जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से भी आपने मॉडरेट्स को रिलेट कर दिया, जैसे भिखाजी कामा और मदन लाल ढिंगरा का जो एसोसिएशन था वो था दादा भाई नौरोजी के साथ में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी वहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा से इंडिया हाउस में मिलते जुलते रहते थे और वहीं पर ये भिखाजी कामा मदन लाल ढिंगरा वगैरह भी वहीं रहते थे, ठीक है, तो उनका अच्छा क्लोज एसोसिएशन था, ठीक है। फिर देखिए, दे ब्रॉट मैनी वीमेन इन टू द पिक्चर थ्रू एजुकेशन, मान लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि गांधी मूवमेंट में महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन अगर महिलाओं का जो है एम्पावरमेंट हुआ ही नहीं होता तो वो लोग नहीं पार्टिसिपेट किए होते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन वगैरह के थ्रू जो है उनको काफ़ी इमेंसिपेट किया गया महिलाओं को, ये बात अलग है कि सारी महिलाओं को इमेंसिपेट नहीं कर किया जा पाया था, ठीक है, लेकिन कुछ अगर खास अगर कैटेगरीज आप देखें जैसे पारसी वीमेन, तो पारसी वीमेन टोटली लिबरेट हो गई थी मॉडरेट फेज के अंतर अंदर ही, ठीक है, तो वो लोग काफ़ी इम्पावर्ड हो गए और आगे चल करके उनने पार्टिसिपेट भी किया, ठीक है। फिर देखिए, ये सारा लिखने के बाद हालांकि इसमें एक आधा पॉइंट और हो सकता था नो डाउट, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, मॉडरेट्स ने इवन दो वाइडर फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी बड़ा रोल निभाया लेकिन उनके कुछ लिमिटेशंस भी थे, ठीक है, तो लिमिटेड सोशल अपील था उनका, आप यहाँ अपील की जगह आउटरीच भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है, तो उनका जो लिमिटेड सोशल अपील था वो था सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस के पास, ठीक है। फिर देखिए, उनके मूवमेंट में जनरली फार्मर्स लेबर्स और मासेस जो है वो एक्सक्लूड हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि भैया इतने पढ़े लिखे बातें हो रही है तो कहाँ ये सब फार्मर्स और लेबर्स उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर इनको जो है सेफ्टी वाल्व के रूप में, सेफ्टी वाल्व थ्योरी के रूप में इसको नकारा भी गया, और किसके द्वारा नकारा गया, जैसे लाला लाजपत राय वगैरह के द्वारा नकारा गया, ठीक है। फिर देखिए, कुड नॉट अचीव इट्स सोशल और पॉलिटिकल गोल्स, ये भी बात सही है कि ये लोग डायरेक्टली तो अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है, भले काफ़ी बाद में के लिए इन्होंने बेस तैयार किया हो वगैरह वगैरह सब सही है, लेकिन ये इन्होंने अपने बहुत सारे गोल्स ये लोग अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका इसका लिमिटेशंस, ठीक है ना। इसके बाद कंक्लूजन में लिख दिया गया है दोस्तों कि डिस्पाइट मॉडरेट्स अनेबल टू रीच द फाइनल गोल ऑफ इंडिपेंडेंस, हालांकि वो लोग इंडिपेंडेंस का जो गोल है उसको प्राप्त नहीं कर पाए, स्टिल दे वेयर द हार्ट माइंड एंड सोल ऑफ स्ट्रगल विच प्लेड अ की रोल इन इंडिया इंडिपेंडेंस, तो ठीक है, डिसेंट इनफ है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर में जो कमी है वो ये है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स और ऐड किए जा सकते थे, जो करेंट प्रारूप है इस क्वेश्चन का, करेंट प्रारूप है ये है क्या आपका 15 मार्कर क्वेश्चन है ये, ठीक है, एंड इस करेंट प्रारूप में इस क्वेश्चन को लगभग 6 से 6.5 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, विच इज डिसेंट इनफ, क्योंकि अगर 6-6 मार्क्स आपके ऐड होते जाते हैं इधर 15 मार्कर्स में तो आपको आराम से 100 मार्क्स को आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना लिख दें, ठीक है, मॉडरेट्स का इम्पैक्ट जो था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पे, तो आपको आराम से ये 7 या फिर 7.5, अब इन क्वेश्चंस में ना बहुत एडिशनल मार्क्स स्कोर करना नहीं पॉसिबल नहीं है, मतलब ए 7.5 से प्लस स्कोर कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो अगर आप 6.5 से 7.5 के बीच में अगर रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में तो दिस इज कंसिडर्ड एज ए गुड इनफ स्कोर। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, देखिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको गुड फेथ में लाया गया है, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि ये जो भी नीडी लोग हैं, नीडी एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास तक ये पहुंच पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।